अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका भाई अपनी गुलाबी उर्दू के साथ अफजल पठान। दोस्तों, मेरा इरादा बना एक माइक ख़रीदने का, तो आज मैं बाज़ार गया कराची सदर। वहां से मैंने एक माइक ख़रीदा जो आपके सामने है। यह मशहूर ज़माना माइक है, बोया का बाई M1। आप में से बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में पता होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता इसके बारे में, तो उन दोस्तों को काफ़ी मदद मिल सकती है इस वीडियो से, जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो ये डब्बा मैं आपके साथ ही खोलूँगा और हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या कुछ मिलता है और ये माइक है कैसा। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल कर देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस डब्बे को खोलते हैं आपके सामने। ये डब्बा मैंने शॉप पर भी खोला था, मगर अभी हम आपके सामने फिर इसको खोलेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ निकलता है। अच्छा, इस पे ये लिखा हुआ है कि ये आप मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमकॉर्डर्स पर, अपने DSLR कैमरा पे और ऑडियो रिकॉर्डर्स और कंप्यूटर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको जैसा कि मैंने कहा कि ये मैंने शॉप पर खोला था ये डब्बा। तो ये जी, ये इसका ये थैला है, पाउच इसको कहते हैं, इसमें से हमारा माइक निकलेगा। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत माइक है। इसकी जो वायर है ये भी काफ़ी लंबी है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो पैकेट में जो है ये इसकी टोपी है। आप हंसना मना है, इसको ये टोपी इसको लगा लेते हैं जी। तो ये टोपी इसकी ऐसे लग जाएगी। ये इसका जैक है। अच्छा, ये अगर माइक आप कैमरे पे इस्तेमाल करेंगे तो इस जैक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस माइक को अपने मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करेंगे तो इस जैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माइक ऐसे ही फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर लगाएंगे। और ये इसका आ गया क्लिप। इस माइक को इसमें लगा के आप फिर इसको अपने कॉलर पर या किसी और जगह पर इसको आप लगा सकते हैं आसानी से। ये हो गया, इसके साथ ये आती है बैटरी। अच्छा, ये बैटरी है इसकी, ये छोटा सेल है। यहाँ पे फिर वो वही बात आ जाती है, अगर ये आप इस माइक को कैमरे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बैटरी इसमें लगेगी। ये इधर से खुल जाता है तो इसके अंदर ये लग जाती है, ये बैटरी इसके अंदर लगेगी। और इसको आप ये इधर कैमरा लिखा हुआ है और इधर नीचे जो है स्मार्टफोन, ये बैटरी लग जाएगी तो ये इसको आप ऑन करोगे कैमरे के लिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करोगे तो आप इस बटन को नीचे ही रहने दोगे ऑफ पर, और बैटरी की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मोबाइल फ़ोन के लिए ये बटन नीचे ही रहेगा और बैटरी की भी फिर ज़रूरत नहीं है। अगर कैमरे पर इस्तेमाल करना है तो ये बैटरी भी लगानी पड़ेगी इसमें, और फिर ये इसको ऑन करके कैमरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं जी। तो ये है हमारा माइक। तो दोस्तों, इसकी कीमत की बात करें हम, तो ये मुझे बाज़ार से मिला है 1600 रुपये का। आपके शहर में
आप मार्केट में पता करेंगे तो इसके 1600 के ऊपर नीचे आपको ये मिल जाएगा, तो आसानी से मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको और भी बताऊं, जब भी आप इस माइक को लेने के लिए जाएं, आप इसको ख़रीदें, तो आप अपनी तसल्ली कर लें कि ये माइक ओरिजिनल हो। ओरिजिनल की निशानी ये होगी कि ये जो आपको नाम नज़र आ रहा है बोया, ये बिल्कुल सही लिखा हो, BOYA। फिर इसके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है, आपको नज़र आ रहा है, ये भी ओरिजिनल की निशानी है। और बाकी अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल है, क्योंकि इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है और पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। और ओरिजिनल की निशानी एक ये भी है कि इसका जो वायर है ये काफ़ी लंबा है, और जिसमें जो कॉपी आती है उसके साथ ये वायर जो है वो छोटा होता है, इतना लंबा नहीं होता। आप ये भी देख लें, इसका वायर काफ़ी लंबा है, तो ये भी एक ओरिजिनल की निशानी है। ये डब्बे में और भी कुछ है, इसका ये छोटा सा बुक, ये सारा तरीका इसमें लिखा है। आप आराम से फिर इसको पढ़ लें और देख लेंगे आप। ये इसका ये वारंटी कार्ड दिया गया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका कोई सवाल हो इस माइक के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह फ़ामान।